सीयूईटी यूजी की परीक्षा दोबारा 19 जुलाई को होगी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित है। एनटीए ने उम्मीदवारों की ओर से मिली शिकायतों की समीक्षा की है, जिसके आधार पर 1000 प्रभावित उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा की तारीख तय की गई है। इन छात्रों ने आंसर में गड़बड़ी की शिकायतें की थी। 15 से 29 मई के बीच सीयूईटी की परीक्षा हुई थी, जिसमें 13,48,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित और पेन पेपर दोनों मोड में हुई थी। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश दे रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि 19 जुलाई को ये जो परीक्षा है ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। दरअसल ये परीक्षा इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि कुछ बच्चों ने शिकायत की थी, कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि सीयूटी के जो आंसर सीट प्रोविजनल लोड की गई हैं वो जो उत्तर हैं वो गलत हैं। तो उन्हीं गलत उत्तरों के ऊपर में एनटीए ने कहा कि जिन छात्रों को ये लगता है कि उत्तर गलत है तो वो 200 रुपये फीस जमा करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। कई सारे छात्रों के अभिभावकों का ये कहना है कि तकरीबन 30 से 35 नंबर तक जो उत्तर हैं वो गलत रहे। कई सारे सब्जेक्ट में गलत उत्तर की शिकायत अभिभावकों और छात्रों ने की है। तो इसी के मद्देनज़र पहले 30 जून तक वो अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा सकते थे। उसके बाद ये कहा गया कि 9 जुलाई तक जो भी आपत्तियां दर्ज हो जाएंगी उन पर विचार किया जाएगा। तो अब सीयूईटी ने विचार किया है और अब एक रीटेस्ट सीयूईटी का 19 जुलाई को होगा। अब इस 19 जुलाई के रीटेस्ट के बाद में फिर जो है वो सीयूईटी अपना परिणाम घोषित करेगा। हालांकि होना ये चाहिए कि इसी जुलाई से जो दाखिले की प्रक्रिया है विश्वविद्यालयों में वो शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सीयूईटी की परीक्षा में तमाम सारे उत्तर गलत होने की जो शिकायत है वो छात्रों ने की थी। तो उसके बाद में एनटीए को ये फैसला लेना पड़ा कि छात्र अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इस बार के सीयूईटी की परीक्षा में तकरीबन 14 लाख के करीब में जो छात्र हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन ये एक, जैसे आपने देखा कि नीट की परीक्षा में तमाम सारी गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसके बाद में नीट पीजी की जो परीक्षा है उसको स्थगित करनी पड़ी है। तो ऐसे तमाम सारी जो एनटीए ने परीक्षाएं भी करवाई हैं उन पर गड़बड़ियों की तमाम सारी शिकायतें आई। सीयूईटी की जो परीक्षा हुई है इसमें भी जब प्रोविजनल आंसर सीट जो है वो अपलोड किया गया तब तमाम सारे अभिभावक और छात्रों ने कहा कि कई सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी हुआ, कानून अध्ययन हुआ, भूगोल हुआ, इसमें कई सारे सब्जेक्ट में कई उत्तर के गलत होने की शिकायत जो है वो अभिभावकों और छात्रों ने की है। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत ये है कि गलती एनटीए की, लेकिन 200 रुपया फीस देकर जो है वो छात्र उनको बताएं कि आपका उत्तर यहाँ पे गलत है। इसको लेकर छात्रों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा नाराजगी थी कि जब गलती आपने की है तो आखिर 200 रुपया आप हमसे क्यों ले रहे हैं। लेकिन चलिए, अब एक उम्मीद बंधी है, 19 जुलाई को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और उसके बाद में उसका एक रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।